हे गाइस कैसे हो। मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस नारुतो शिपुडन के हिंदी डब के ऊपर, तमिल डब के ऊपर, तेलुगु डब के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और उसके साथ साथ सोलो लेवलिंग का भाई साहब न्यू एपिसोड आ चुका है भाई। उस एपिसोड ने आग लगा रखी है। हिंदी डब के अंदर भी सोलो लेवलिंग का और एक न्यू एपिसोड आ चुका है। उसके साथ साथ डीमन स्लेयर का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है बचीगिरी एनिमे के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि बचीगिरी एनिमे को क्रंची के ऊपर हिंदी डब में स्ट्रीम किया जा रहा है, यानी कि उसके सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को स्ट्रीम किया जा रहा है। और भाई साहब वो 21 एपिसोड होना, मतलब भाई मैं क्या ही बताऊं, एकदम मजेदार है भाई और डबिंग बहुत अच्छी की गई है, जाके वॉच आउट करो। आप बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है डिटेक्टिव कोनान के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि डिटेक्टिव कोनान की मतलब आज शाम को उसकी दो न्यू मूवीज को दिखाया जाने वाला है, वो भी ईटीवी बार-बार चैनल के ऊपर। तो उसकी जो फर्स्ट मूवी है उसका नाम है द क्रिम्सन लव लेटर, जो मतलब पहले इस मूवी को दिखाया गया था, और जो दूसरी मूवी है उसका नाम है द डार्क मतलब नाइटमेयर जो मूवी है उसको भी मतलब आज शाम को दिखाया जाएगा 5:30 बजे को। एक मूवी को दिखाया जाएगा, उसके बाद और एक मूवी को दिखाया जाएगा। मतलब डिटेक्टिव कोनान की जो ये मूवीज है ना, इनको पहले ही दिखा दिया गया था, तो अब फिर से वो उसको रीटेलीकास्ट किया जा रहा है। जिसके भी नहीं देखा है तो जाके आप लोग वॉच आउट कर सकते हो। हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो भी द बॉय एंड हीरोइन मूवी के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं गाइस इस मूवी को, द बॉय एंड हीरोइन जो मूवी है, इस मूवी को इंडियन थिएटर्स के अंदर लाया जा रहा है, यानी कि हिंदी डब में उसे दिखाया जाएगा भी इंडियन थिएटर के अंदर। मैं आपको बता दूं ये कंफर्म किया है इनकोर फिल्म्स ने, गाइस इसे पीवीआर सिनेमास नहीं ला रहा, इसे इनकोर फिल्म्स वाले ला रहे हैं। तो गाइस एकदम जबरदस्त हो जाता है, लेकिन पीवीआर सिनेमास ने अपना मतलब पैर इस तरह से खींच लिया था कि भाई साहब हम इसे नहीं ला सकते, 10 करोड़ में कौन खरीदेगा इस मूवी को। लेकिन अब इनकोर फिल्म्स ने अब ये कहा है कि भाई साहब हम लोग ला रहे हैं मतलब इंडियन थिएटर्स के अंदर। तो गाइस आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज यहां बन रही है, क्योंकि भाई इस मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो भी सोलो लेवलिंग एनिमे के हिंदी डब के। तो मैं आपको बता दूं कि सोलो लेवलिंग एनिमे के हिंदी डब मतलब एपिसोड नंबर 3 आ चुका है, वो भी हिंदी डब में एपिसोड नंबर 3 आ चुका है, वो भी क्रंची रोल के ऊपर, जाके वॉच आउट कर लेना। उसके साथ-साथ सोलो लेवलिंग का मतलब एपिसोड नंबर 5 भी आ चुका है, वो भी भाई साहब जापानीज लैंग्वेज के अंदर आ चुका है, और लिटरली उसके उस एपिसोड ने मतलब आग लगा दिया। आपको मैं क्या ही बताऊं, सोलो लेवलिंग टॉप के ऊपर चल रहा है। और गाइस मैं उस एपिसोड मतलब एपिसोड नंबर 5 का कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि उस एपिसोड के अंदर भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, जाके वॉच आउट जरूर से करना उस एपिसोड को। मैं आपको बता दूं कि जो सोलो लेवलिंग एनिमे है वो मतलब वर्ल्ड वाइड यानी कि 2024 के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एनिमे बन चुका है, और जनवरी और फरवरी के अंदर भी वो आग लगा रहा है। तो जाके वॉच आउट से जरूर से करना। और लिटरली गाइस एक बड़ी बात हो जाती है कि एक न्यू एनिमे आज आया और वो एकदम से सबके दिल के ऊपर छाया। मतलब हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो भी डीमन स्लेयर के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि डीमन स्लेयर की एक मूवी चल रही है थिएटर के अंदर, यानी कि हशिरा ट्रेनिंग गार की मूवी चल रही है, वो भी थिएटर यानी कि सिनेमास के अंदर। और गाइस उसी मूवी का मतलब ओपनिंग सॉन्ग यानी कि हमारे हशिरा ट्रेनिंग गार के सीजन 4 जो आ रहा है डीमन स्लेयर का, उसके ओपनिंग सॉन्ग को लीक कर दिया गया बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और वो लीक भी हो चुका है और बहुत जगह वो मतलब पहुंच भी गया, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है। और लिटरली यार मतलब ये सब चीजें ना बहुत सारे फैंस करते रहते हैं लाइक इन्होंने क्यों लीक किया मुझे भी नहीं पता, मतलब ये पायरेसी करना मतलब इसे भी एक पायरेसी ही कहा जाता है, तो भाई मुझे नहीं पता भाई ये क्यों कर रहे हैं। उसके साथ साथ डीमन स्लेयर के हिंदी डब के ऊपर एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, यानी कि आपको पता होगा कि डीमन स्लेयर के सीजन 3 के अंदर में कितनी बेकार डबिंग मतलब देखने के लिए मिली थी वो भी क्रंची रोल की तरफ से। तो गाइस उसके ही मतलब डबिंग कास्ट को चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन को सैम बॉय और सस्ता ओटाकू ने चलाया है। तो गाइस आप लोग इस कैंपेन के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों को भी भाई साहब हिंदी डबिंग सीजन 3 की बहुत घटिया लगी होगी, सीजन 2 के अंदर भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। तो कास्टिंग चेंज करने के लिए गाइस उन्होंने एक कैंपेन चलाया, गाइस उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमें ट्विटर के ऊपर मतलब रीट्वीट करना है मतलब 500 बार यानी कि 500 टाइम्स रीट्वीट करना है। तो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है मतलब उसी मतलब ट्विटर हैंडल का जहां मतलब ये चल रहा है मतलब कैंपेन, जाके आप लोग वहां रीट्वीट कर सकते हो, मतलब के भर भर के रीट्वीट कीजिए और सिस्टम को फाड़ दीजिए। गाइस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब हिंदी डब जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप लोगों को जाना है, और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है एक्स यानी कि ट्विटर का लिंक दे रखा है, वहां जाके रीट्वीट भर भर के करो भाई। सस्ता ओटा कोर सैम बॉय के लिए मैं आप क्या ही बोले यार, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और ऐसे ही करते रहना। और लास्ट एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो भी नारुतो शिपुडन के ऊपर। आप लोग सही सुन रहे हो, नारुतो शिपुडन के तमिल डब के ऊपर, तेलुगु डब के ऊपर और हिंदी डब के ऊपर ये अपडेट निकल के आ रहा है। तो इसके साथ साथ कल हमें नारुतो शिपुडन के तमिल डब का प्रोमो देखने के लिए मिला था। गाइस इस प्रोमो को साई सुजीत सर ने यानी कि नारुतो मतलब नारुतो के जो ना ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट गारा के तमिल डबिंग आर्टिस्ट उन लोगों ने सब ने मिलकर इस प्रोमो को कल लॉन्च किया था। और इतना ही नहीं, साई सुजीत सर ने जो है ना मतलब नारुतो शिपुडन कमिंग सून के जो पोस्ट को ना उन्होंने इतना प्रमोट किया है, मैं आपको क्या ही बताऊं, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप लोग यहां से देख सकते हो कितना प्रमोशन चल रहा है नारुतो शिपुडन का। लेकिन इन्होंने
एमरल्ड अप का जो है ना प्रोमो है ना, इसको मतलब हमारे सोनिया चैनल के ऊपर नहीं दिखाया गया, इसे क्रंचरोल के ऊपर नहीं दिखाया गया, लेकिन इसे इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया गया है, तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। लेकिन भाई साहब ये ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट ने पोस्ट किया है, तो ये मतलब अनऑफिशियल तो नहीं, लेकिन ये ऑफिशियल तो हो जाता है 90% के लिए ही ऑफिशियल हो जाता है। आगे जाके सोनी हम लोगों को प्रोमो दिखा दे, उसके साथ साथ आज रात सर नरूटो शिपुन के रिलीज डेट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोमो लॉन्च कर देने, मतलब लॉन्च करने वाला, यानी कि शाम को यानी कि 6 PM यानी कि आज रात 6 बजे वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो उसका भी मुझे इंतजार रहेगा। स्टे ट्यून यानी कि आप लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ नरूटो शिपुन के हिंदी डब के प्रोमो की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं वो मार्च में हमें देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग सही सुन रहे हो, मार्च के महीने में उसका प्रोमो देखने के लिए मिल सकता है, बोल के मैंने पहले इसके ऊपर अपडेट दे दिया था और उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। उसके साथ साथ हमारी पूजा पंजाबी मैम और राजेश कावासर यानी कि हमारे नरूटो और डबिंग आर्टिस्ट ने कल एक रील पोस्ट की थी और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने ये बताया था कि बस अपने अपने वो बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि नरूटो शिपुडन क्या आ रहा है, नरूटो मतलब आप ही बताइए पूजा जी क्या आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी अभी मतलब चुप रहना ही अच्छा है, बोल के उन्होंने उसके अंदर कुछ भी नहीं बताया और उस पोस्ट को इतना वायरल किया भाई साहब नरूटो शिपुडन ने, मतलब हिंदी डब की जो फैंस है भाई उन्होंने बोल दिया उसको वायरल कर दिया और बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे, तो वो एक ही चीज बोल रहे कि भाई नो कमेंट्स, नो 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 मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। तो आप लोगों को यहां से देख लेना चाहिए कि भाई साहब कितनी हाई बड़ी हुई है नरूटो शिपुडन की। तो उसके साथ साथ नरूटो शिपुडन के तेलुगु डब के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था कल। हाँ गाइस आप लोग सही सुन रहे हो, नरूटो शिपुडन वी वांट नरूटो शिपुडन इन तेलुगु बोल के, मतलब जो तेलुगु फैंस है नरूटो शिपुडन के उनको जो है ना साई सुधीर सर ने एक मतलब चीज बोली थी, यानी कि तमिल डबिंग आर्टिस्ट जो है नरूटो के, उन्होंने एक बात बोल दी तेलुगु ऑडियंस को कि भाई अब मतलब तेलुगु लैंग्वेज के अंदर हमारा नरूटो शिपुडन नहीं आ रहा है बोल के, क्योंकि पिछली बार उसे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था नरूटो ओरिजिनल सीरीज के अंदर और बहुत सारे लोगों ने पायरेसी करके देखा था बोल के, इसकी वजह से ही उसको नहीं ला रहा जा रहा है बोल के मतलब साई सुधीर सर ने कंफर्म किया था कल, जिसकी वजह से कल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था वो भी ट्विटर के ऊपर। मतलब मत पूछना कि भाई क्या तेलुगु के ऊपर अपडेट है, जब अपडेट आएगा आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर हैशटैग यकीन करो हैशटैग सोनिया जरूर से लिख देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को दबा दो, घंटे को दबाना जरूरी है क्योंकि आज रात एक बहुत बड़ा प्रोमो आने वाला है, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो जल्दी बना दूंगा। जब प्रोमो आएगा जब भी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिल सकती है, तो स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज रात बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। तो मिलते हैं गाइस इंटरेस्ट के अंदर, जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ती बाय।